यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश के 550 स्टेशनों से होकर गुजरने वाली करीब 20 एक्सप्रेस गाड़ियों में परोसा जाने वाला खाना आपकी जिंदगी के साथ बेहद खतरनाक खिलवाड़ है। ट्रेन के साथ चलने वाली पैंट्री कार में बना खाना इस कदर गंदा और खराब है कि किसी भी दिन एक बेहद बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता है। रेलवे की देखरेख में चल रहे इस मौत के मेन्यू पर अधिकारियों ने तमाम चेतावनियों के बावजूद आंखें मूंद रखी हैं। रेलवे की खान पान देखने वाली कंपनी IRCTC के सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं पैंट्री कार चलाने वाले ठेकेदार। ऐसे में इंडिया टीवी ने इस मौत के मेन्यू से यात्रियों को बचाने के लिए एक बाहर रियलिटी चेक किया है। इंडिया टीवी के 10 रिपोर्टर ने करीब 25 दिन तक देश के कोने कोने में सफर किया, पैंट्री कार की खराब हालत के सबूत कैमरे में कैद किए। देश में अपनी तरह के इस सबसे बड़े पैंट्री कार रियलिटी चेक में लंबी दूरी की 20 ट्रेनें शामिल हैं। खान पान विशेषज्ञ भी इस रियलिटी चेक का हिस्सा हैं। इंडिया टीवी का मकसद यात्रियों को जानलेवा खाने से सावधान करना है, रेलवे को आगाह करना है और देश के सामने एक बेहद बड़े गोरख धंधे को बेनकाब करना है। सूचना समाप्त हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रीगण अब बहुत ध्यान से सुने और देखें। आपके सामने आ रहा है 1-2-3-1-1 अप और 1-2-3-1-2 डाउन, हावड़ा दिल्ली चंडीगढ़ हावड़ा मेल के खाने का सच। करीब 32 घंटे की यात्रा करने वाले इस ट्रेन में रोज हजारों यात्री सफर करते हैं। ये ट्रेन छोटे बड़े 40 स्टेशन से होकर गुजरती है, पर इस ट्रेन में मिलने वाला खाना कैसे कीड़े मकोड़ों के बीच रखा जाता है, कितना खराब होता है, कैसे ना खाने लायक होता है, ये दिखाएगा इंडिया टीवी आपको अपने महा पैंट्री रियलिटी चेक में। चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, मुगल सराय, धनबाद, आसनसोल और हावड़ा के यात्री अगले कुछ मिनट तक टीवी स्क्रीन से नजरें न हटाएं, क्योंकि 12,312 डाउन हावड़ा दिल्ली चंडीगढ़ हावड़ा मेल में होने जा रहा है आपकी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद बड़ा खुलासा। ये इस बाल्टी में क्या है? पानी। ये पानी है, कीड़े रेंगते हुए देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप ये देख रहे हैं, ये लस्सी है और कैसे रखा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में खड़ी है 12,312 डाउन हावड़ा मेल। इस रेल में अचानक छापेमारी की इंडिया टीवी की टीम ने। हावड़ा मेल का पेंट्री कार आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या बन रहा है भैया, क्या बना रहे हैं? पैंट्री का स्टाफ बहुत चक्का रह गया। जब तक मैनेजर सामने आया तब तक इंडिया टीवी की टीम इस ट्रेन के पैंट्री स्टोर में पहुंच चुकी थी। बोरे से एक प्याज निकला है, आप देखें इसको, कितना न्यूट्रिशन रेलवे आम लोगों को देता होगा। ये सब्जियों की स्थिति को देखने से पता चलता है। आप देखें, ये पत्ता गोभी है, ये सड़ चुकी है और आप इसकी खुद इसको सूंघे और देखें कि क्या स्थिति है। पैंट्री में घूमते कॉकरोच, पैंट्री में खुला पड़ा लस्सी का ड्रम, पैंट्री में फ्रिज के बाहर पॉलिथिन में सड़ता दही, किचन के इस्तेमाल में आने वाला गंदा पानी, बंद कोठरी नुमा स्टोर में आपके खाने का सामान कितनी गंदी स्थितियों में रखा जाता है देखा आपने, कीड़े मकोड़ों के बीच आपकी लस्सी और खुली हुई सब्जी, पता नहीं किस चीज में कितने कीड़ों का मेल मिलाप होता हो। बैक्टीरिया की बात तो हम अभी कर ही नहीं रहे। ट्रेन में खाने के रखरखाव को लेकर IRCTC के बिल्कुल साफ नियम हैं, जिनमें इस ट्रेन की पैंट्री हर मापदंड पर फेल हुई। गाजर, गाजर देखिए, गाजर की क्या, सूंघिए इसको जरा, गाजर सूंघ के देखो, सूंघो सूंघो इसको देखो, कैसी स्थिति है, क्यों ऐसा, क्यों है जो सड़ा हुआ है उसको हम अलग हटा दे देंगे ना। नियम है कि खराब होने वाली सब्जी फ्रिज में रखी जाए, पर इस ट्रेन में कटी हुई सब्जी खुले में पड़ी है। दूध से बनी चीजों को फ्रिज में रखा जाए, पर यहाँ लस्सी ड्रम में खुली पड़ी हुई है
और दही पॉलिथिन में पैक पड़ा है। नियम है कि सड़ी हुई सब्जी को तुरंत सही सब्जी से अलग किया जाए, पर यहाँ सड़ी और सही सब्जी एक साथ रखी है। नियम है कि हर चीज को अच्छी तरह ढक कर रखा जाए, पर यहाँ हर चीज पूरी तरह खुली पड़ी है। नियम है कि खाने में इस्तेमाल होने वाला पानी बेहद साफ हो, पर यहाँ तो पानी बेहद खराब हालत में है। नियम है कि पैंट्री के स्टोर में कीड़े मकोड़ों को रोकने का इंतजाम बढ़िया हो, पर ट्रेन की पैंट्री में खाने की चीजों के बीच कॉकरोच आपने अपनी आंखों से देखे। इस गोरख धंधे पर जब हमने पैंट्री के मैनेजर से बात की तो उसके पास रटे रटाए जवाब तैयार थे। सड़ी हुई गाजर, सड़ा हुआ फूल गोभी, कीड़े सर, इतना, सब सही इतना है। सारा सब ठीक था। एक पीस, एक आध पीस हो सकता है कि खराब हो जाए, तो हम उसको ना कि फेंकेंगे ना कि रखेंगे। ठेकेदारी पर चल रही इस व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने हर बड़े स्टेशन पर जांच दल बिठाया है, पर जब इंडिया टीवी की टीम ने कानपुर स्टेशन में इस जांच दल को खोजने की कोशिश की तो उप स्टेशन मास्टर कॉमर्शियल का जवाब सुनिए। कोई आदमी ऐसा होगा ना कि जो पेंट्री का हर समय समय पे चेक करता होगा, उसमें खाना अच्छा दे रहे हैं, गंदगी है, सफाई है, कोई सुनने वाला है नहीं है, कोई तो होगा। बाहर वाले बाहर वाले बगल वाले आपके साथ हो रही ज्यादती को रोकने की तनख्वाह लेने वाला स्टेशन में कहीं नहीं मिला। यहाँ आपको बता दें कि इंडिया टीवी ने कुछ महीने पहले ही ऐसा चेक और किया था, तब भी हालात ऐसे ही थे। तब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उन्होंने कुछ कार्रवाई भी की थी, पर हालात जस के तस हैं। फर्क है तो बस ये कि ममता की जगह अब उनकी पार्टी के दूसरे नेता ही रेल मंत्री हैं। बहुत लंबी ट्रेन है, बहुत दूरी तक सफर करती है, बहुत सारे इसमें आम आदमी है, लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर हावड़ा दिल्ली चंडीगढ़ हावड़ा जाने वाली ये जो ट्रेन है, इसकी पेंट्री कार की स्थिति कब सुधरेगी। बार बार दावा किए जाने के बाद भी जो रेलवे के दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं। अभी तक इस सारे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता चिल्ला रही है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बड़ा प्रश्न है कि क्या रेल मंत्री ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं? क्या उनके पास कलकत्ता के अलावा बाकी जगहों के लिए कोई समय नहीं है? तो हमारी रेल मंत्री जी से गुजारिश है कि आए आम आदमी के साथ बैठकर जरा देखें कि आखिर उसको क्या खाना इनके ठेकेदार दे रहे हैं और अधिकारी दे रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया टीवी, कानपुर।